बहुत-बहुत ड्रामा बहुत हुआ घर पे. पे ये वो दिन है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा. You never know it. एक बजे के बाद मैं रीटेक री रीटेक ही करती हूँ स्वागत है आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उनका नाता हमारे साथ बहुत पुराना है आइए मिलते हैं दीपिका चिकलिया टोपी वाला से वेरी वेल थैंक यू मैम हमें बताइए कि आपका सफर राजश्री के साथ कैसे शुरू हुआ राजश्री के साथ मेरी जिंदगी का मैं कहूँगी पहला सफर रहा है क्योंकि इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट जर्नी सो मैं ये कहूँगी कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैपेंड इन माई लाइफ बिकॉज दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट नाइन्थ स्टैंडर्ड में थी एंड uh, मेरे फादर के कोई फ्रेंड थे जो गुप्ता जी को पहचानते थे एंड uh, वो गुप्ता जी के साथ मेरे घर पर आए एंड uh, मैं अपनी फ्रेंड के साथ प्लेइंग अराउंड इन द कंपाउंड फिर मैं ऊपर आई फिर मेरे पापा ने इंट्रोड्यूस किया एंड ही टोल्ड मी के गुप्ता जी हैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन्स में ही वर्क्स एंड आई से वाओ एंड देन पापा ने ऐसे ही बोला मेरी बेटी को भी बड़ा शौक़ है

के बारे में पता नहीं था एंड दैन फाइनली कोई स्टूडियो में फ़ोटोग्राफ्स खिंचाएँ वो टिपिकल uh, वो जो ऑड पिक्चर्स होती हैं जो स्टूडियोज़ में लोग खींचते हैं वो टाइप की फोटोग्राफ्स थी एंड देन वी शोड इट एंड सन नो नो योर फोटोजेनिक एंड मैं बात करता हूँ तो दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी एंड फर्स्ट टाइम स्कूल से मैं थोड़ा उस दिन आई थिंक हाफ डे लेकर मैं आई थी एंड आई रिमेंबर मैं और मम्मी गए थे राजश्री प्रोडक्शंस एंड गुप्ता जी ने फिर मुझे ताराचंद बजात्या जी के साथ मिलवाया एंड आई थिंक इट वाज वेरी ब्यूटीफुल आपको ये uh, कभी पता नहीं चलता है कि ये वो दिन है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा यू नेवर नो इट सो फॉर मी आल्सो इट वाज दैट डे विच चेंज्ड माय लाइफ मैं क्या जवाब तू आप ही बताइए क्या मोहब्बत का सबूत बेवफाई से दिया जाता है मैं विकी की जिंदगी से तो क्या अपनी जिंदगी से भी दूर हो जाऊं अगर मुझे इस बात का यकीन हो कि मुझसे दूर रहकर विकी खुश रह सकता है एंड uh, उनसे मुलाकात हुई और कहा क्या पिक्चर में काम करना चाहती हूँ तो से जी हाँ ऐसे डांस आता है आई से हाँ गाना आता है से नहीं सो करके के दिखाओ डांस एंड इट वाज अ कारपेट वाला कैबिन था बड़ा सा कैबिन था एंड आई लर्न भरतनाट्यम चार पाँच साल मैंने भरतनाट्यम सीखा है सो आई आई डिड अ लिटल बिट एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड देन आई रियलाइज दैट आई थिंक यू नो

एंड देन दैट्स हाउ वी वी स्टार्टेड उस वो शुरुआत हुई मेरी मोस्ट uh, इम्पॉर्टेंट जर्नी uh, की जी यूरोप जा रहे हो यूरोप का टूर मैंने कैंसिल कर दिया है क्यों यूरोप से ज्यादा खूबसूरत तो ये शहर है चाहे तुम रहती हो यानी मैं तुम्हें से कह रहा हूँ मुझे लगा तुम किसी और से बातें कर रहे हो मैं ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ सोचो शायद याद आ जाए कौन नहीं जिसके साथ तुम्हारी हर शाम बुक है तो जैसे कि आपने कहा नाइन्थ स्टैंडर्ड से शुरुआत हुई तो कोई घबराहट नहीं थी कोई नर्वसनेस नहीं थी मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो यू एज अ चाइल्ड यू नेवर रियलाइज द द इंपॉर्टेंस अगर आज uh, कोई बहुत बड़ी चीज होने जा रही तो एक नर्वसनेस आपको मतलब हो जाती है कि यू नो इतने सारे लोग या व्हाटएवर

एनी hmm? तुम क्या खाओगी मैं तुम्हें खाऊंगी विक्की। आई थिंक यू आर जस्ट इन बॉर्न विथ अ लॉट ऑफ ट्रेट्स ऑफ बींग रिबेल एंड ऑल्सो ये एक एवरी चाइल्ड हैज इट एवरी चाइल्ड हैज इट के कुछ अलग करना है यू नो क्यूरियोसिटी सो आई थिंक दैट गॉट द बेटर ऑफ मी एंड दैट टू इन बिटवीन स्टडीज मतलब फैमिली का भी या yeah, सो so, ये डेफिनेटली हुआ था कि मेरे फादर बहुत ही अगेंस्ट थे सेट की ये एक बात है कि आप uh, मिलने जाओ एक प्रोडक्शन हाउस को एंड यू वॉन्ट टू डू अ मूवी मतलब ये टोटली अलग चीज़ है सो so आईसर आपने मुझे भेजा एंड अलाउ किया सो देट मीन्स कि अगर कुछ आगे बढ़ता है सो देन इट वॉज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर मी एंड माई फादर वज एब्सोल्यूटली अगेंस्ट बहुत बहुत ड्रामा हुआ घर पर दो तीन दिन डैडी ने खाना नहीं खाया एंड यू नो ही वॉज़ वेरी अपसेट बट uh, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी एंड हम लोगों ने एक uh, एक कॉम्प्रोमाइज uh, टर्म uh, पे आए दैट आई हैव टू डू दिस वन फिल्म लीव इट एंड देन गेट बैक इन टू माई स्टडीज माई फादर वॉज अ चार्ट अकाउंटेंट एंड आई हैव टू गेट बैक एंड बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट सो ये एक अंडरस्टैंडिंग uh, के साथ फिर डैडी अलाउड मी दैट ठीक है एक छोटी सी बच्ची राजश्री के सेट पे जा रही है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सेट्स पर सेट तो बहुत दूर की बात है पहले तो स्क्रीन टेस्ट हुआ सो so, uh, चंद्र पहल करके एक uh, डायरेक्टर थे वो बना रहे थे एक मूवी सुन सजना करके एंड दे वांटेड मी फॉर सुन मेरी एंड फिल्म सिटी फर्स्ट टाइम मैं प्रॉपर स्टूडियो में गई फिल्म सिटी एंड इतना इतना सुंदर लगा फिल्म सिटी ऐसे लगा कि पता नहीं कहाँ हेवन में आ गई हूँ मैं बिकॉज दिस इज़ द प्लेस वेद इज अ मेकअप रूम यू हैव एक्टर्स अमिताभ बच्चन एंड यू हैव धर्मेंद्र जी एंड यू नो यू हैव ऑल काइंड ऑफ दीज बिग पीपल वॉकिंग ऑन द सेम फ्लोर दैट आई वुड बी वॉकिंग इन तो मुझे मुझे लगा मैं पता नहीं कहाँ मैं आ गई हूँ सो आई थिंक इट वॉज गॉज इट वॉज गॉज टू बी देर एंड उसके बाद uh, Uh, how was it on the sets it was uh, very comfortable jaise maine kaha ki uh, inka jo mahol hai it's a very family oriented uh, atmosphere and uh, i think uh, i was very comfortable my mother was with me for the shoot but for me it was very very uh, beautiful very um, family. फैमिली क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी सब लोगों ने मुझे एक बच्ची के तौर से मतलब रखा समझा फर्स्ट फिल्म थी

सो दिस इज़ वेरी फनी एक्चुअली आई ने मैंशन दिस लेकिन मैं आपको बताती हूँ तो स्कूल uh, uh, में लंच ब्रेक इज़ एट वन ओ क्लॉक एंड मैं नॉर्मली नाश्ता नहीं करती हूँ जैसे हैवे अ ग्लास ऑफ मिल कैन आई यूज़ टू गो टू स्कूल एंड वन ओ क्लॉक यूज टू वी अ ब्रेक एंड आई वुड डू माई माई शूट्स प्रॉपर्ली मतलब साढ़े दस ग्यारह बजे तक तो हम लोग रोल कर लेते थे तो एक बजे के बाद आई वुड गेट स्टक एक बजे के बाद मैं रीटेक पे रीटेक दे रही हूँ एंड आई एम नॉट अ रीटेक वाला आर्टिस्ट मैं एक टेक में ही करती हूँ बिकॉज आई एम अ बेसिकली अ स्पॉन्टेनियस एक्टर तो वो होता नहीं है फिर दो तीन दिन के बाद मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि स्कूल ब्रेक स्कूल में लंच ब्रेक एक बजे होता है ऐसर हाँ नेक्स्ट टाइम टमोरो ऑनवर्ड्स एवरी डे लंच विल बी एट वन ओ क्लॉक कम वॉट में मैंने कहा क्यों यू सिंग नो तुमको भूख लगती है इसलिए यू आर गेटिंग स्टक बिकॉज यू आर यूज टू ईटिंग एट वन ओ क्लॉक आई से एंड एक्चुअली मैं खाना खाने के बाद वापस अगर वही ही करूँ इन वन टेक आई वुड बी ओके सो ये एक चीज़ होती थी सो दे वर वेरी ऑल ऑफ द वेरी दे वुड एडजस्ट अ लॉट एंड दे वुड अंडरस्टैंड अ लॉट सो एक सीजनड प्रोडक्शन हाउस था सो दे न्यू एग्जैक्टली हाउ टू टेक केयर ऑफ द एक्टर्स सो आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी वेरी बिग एडवाटेज फॉर मी तो तभी आपने फर्स्ट आपकी शुरुआत राजश्री से करी और अभी तक के आप काम करते हुए आ रहे हो <laughs> तो कुछ डिफरेंस लगा सेट्स में राजश्री के और बाकी सेट्स में देखिए फॉर मी राजी इज़ माई फर्स्ट मूवी मैं वहाँ से एक हीरोइन के तौर से आई हूँ तो मुझे डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ही

you know for rajshri because they are the ones who introduced me and uske baad jab unhone television bhi shuru paying guest which Suraj had directed so i had done an episode with them also so for me i will always hold uh, everything uh, you know with with that light that i uh, i really enjoyed i loved the the rapport on the sets यू नो एवरी थिंग एवरी थिंग मतलब उस टाइम की अगर बात करें अभी की प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो ऑफकोर्स द्स अ लॉट ऑफ डिफ्रेंस बट अगर आप पूछें कि आपको कैसा लगा आई वुड से आई थिंक इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट स्टेप फॉर अ ड्रीम टू कम ट्रू एंड आई थिंक मुझे बहुत जो इन्जॉय मैंने किया था वो अज राजू के साथ हम लोग मीटिंग्स uh, जो करते थे ही वुड कॉल मी एंड ही वुड टॉक टू मी तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें अबाउट यस्टर यर्स एक्टर्स के बारे में उन्होंने कही कि दिस इज़ हाउ यू शुड बिहेव दिस इज़ वॉट यू शुड डू सिंस आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरीके से होता है जैसे आई गिव यू एन एग्ज़ैम्पल जैसे उन्होंने कहा कि जब नूतन जी ने उनके साथ काम किया था तो शी वुड सिंग जैसे अगर गाना है तो वो गाना गाती थी उसके साथ तो इस आप कभी भी लिप सिंक मत करिएगा जब आप एक्ट करते हैं अगर कोई गाना है तो बकायदा आप गाना गाइए बिकॉज वो जो एक्सप्रेशन थ्रोट पे जो वेन की जो मूवमेंट होती है, दैट विल लुक रियल तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आ, आज भी मुझे याद हैं उनकी आई हैव नॉट बीन टू एन एक्टिंग स्कूल नीधर Uh, मैंने कोई वर्कशॉप किया था क्योंकि उस जमाने में तो वर्कशॉप होते भी नहीं थे आज ये सब सुनने को मिलता है कि वर्कशॉप हो रहे सो so, मैं तो बस वैसे ही चली गई थी विद विद एन अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक एनी का रोल प्ले कर रही हूँ एक लड़की एनी सुन मेरी लैला में जो एक क्रिश्चियन लड़की है एंड दैट्स अबाउट इट बाकी आई हैड नो आइडिया वॉट द द रोल इज वॉट द फिल्म इज

आपने मुझे खास तौर से राजश्री के बारे में इतनी सारी चीज़ें पूछी तो मुझे बहुत खुशी हुई बताने के लिए क्योंकि दैट वाज लाइक आई टोल्ड यू माय फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू रियलाइजिंग माय ड्रीम्स सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस थैंक यू आई वुड रियली रियली विश राश्री प्रोडक्शंस द वेरी वेरी बेस्ट इन लाइफ एंड जिस तरीके से आप जो पिक्चर्स बनाते हैं आप सीरियल्स बनाते हैं प्लीज़ कंटिन्यू टू मेक इट यू मेड मी हो आई एम टुडे। डे एंड इसी तरीके से आपने बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को चांस दिया है। एंड आई रियली रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड सेवेंटी फाइव ईयर्स आपने किए हैं आई रियली प्रे टू गॉड दैट यू डू सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स जस्ट एज ब्यूटिफुल एंड स्मूदली एज़ यू हैव डन योर सेवेंटी फाइव ईयर्स Thank you so much once again for letting me be part of Rajshri Productions. Thank you.